दिल्ली के रोहिणी इलाके के प्रकाश विहार में झुग्गियों में आग लगने की वजह से करीब 15 से 20 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। फिलहाल हम मौके पर मौजूद हैं। आपको बताना चाहूंगा कि प्रकाश विहार का ये इलाका है और पूरा जो प्लॉट है करीब 1000 गज के आसपास का है और यहाँ पर करीब 15 से 20 झुग्गियां बनी हुई थी, लेकिन आज सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था जब यहाँ पर एक जगह से चिंगारी उठती है और वो चिंगारी इतनी बढ़ जाती है कि पूरी जो झुग्गियां हैं वो जलकर खाक हो जाती है। आपको दिखाना चाहूंगा कि लोगों के यहाँ पर आशियाने थे और झुग्गियां थी और कहीं ना कहीं जो लोगों का रोजमर्रा का सामान होता है, घर का पूरा सामान होता है, वो जलकर खाक हो चुका है। आपको दिखाना चाहूंगा कि लोगों के बर्तन हैं, अलमारियां हैं, साइकिलें हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूरा घर का सामान होता है वो जलकर खाक हो चुका है। और इसी तरीके से कई बार मामले सामने आते हैं जब एक चिंगारी उठती है और उसकी वजह से पूरा जो झुग्गियां होती हैं वो जलकर खाक हो जाती हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लोग रह रहे थे और लोगों की जो मंजियां हैं, जो बेड होता है और जो कूलर होता है और जो घर का पूरा सामान होता है वो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है। और इसमें अच्छी खबर ये है कि किसी को चोट नहीं लगी है। हालांकि इस पूरी झुग्गी झोपड़ियों में आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और समय रहते उन सभी को यहाँ से निकाल लिया गया, लेकिन जो आग है वो इतनी बढ़ गई थी कि यहाँ पे बुझाने की लोगों ने कोशिश तो जरूर की लेकिन बुझा नहीं सके। कुछ लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कितने बजे हुआ है ये सभी? हुआ था 10:30-11 बजे के वक्त। तो पता नहीं चला कैसे लगी आग? पता चला कि वो मीटर जो मीटर था ना, उस मीटर में चिंगारी आया, चिंगारी से झुग्गी में आग फैल चुका था और इतने झुग्गी में आग लगा फिर झुग्गी खाक हो गया। तो बचाने की आसपास के कुछ लोग आए नहीं बुझाने के लिए आग? जब तक बजाते तब तक तो खत्म हो चुका है। फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं आई थी? नहीं, गाड़ी आया था पीछे जो झुग्गी था वो उसकी गाड़ी की वजह से बच गया, उसमें भी आग लग चुका था। अच्छा, फिर हम लोगों ने उसको बुझा दिया। कितने लगभग परिवार रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर जी 15-20। तो 15-20 के आसपास परिवार रहते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं और सामान सारा जल गया। तो टाइम पे निकाल नहीं पाएगा? ये चलेंगे न घर देखेंगे, घर का बच्चा सब छोट जाती है, सब जल देखो। यही कहना है कि पूरा घर का सामान जो है वो जलकर खाक हो गया है, लेकिन गनीमत ये रही है कि आग काफी ज्यादा थी लेकिन किसी को चोट नहीं लगी है। और आसपास के लोगों का भी यही कहना है कि बुझाने की आग तो बहुत कोशिश की लेकिन आग इतनी बढ़ गई थी कि वो हाथ से बाहर चली गई और यही वजह है कि जब फायर ब्रिगेड यहाँ पर आई तब फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर जो है झुग्गियों में से आग बुझाई। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़।